स्वागत है आपका महाराजा मोटर MMW में। तो दोस्तों आज हमारे पास आई है मारुति की आल्टो, जिसके फ्रंट बम्पर के कॉर्नर पर एक छोटा सा नॉर्मल स्क्रैच आ गया है जो देखने में बहुत भद्दा लग रहा है। तो दोस्तों आज हम इसे बिना पेंट किए स्क्रैच रिमूव करेंगे। बहुत ईजिली तरीके से यह स्क्रैच रिमूव हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का यूज करके आप भी अपने कार का स्क्रैच रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे और भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले 2000 नंबर वाटर पेपर से पानी के साथ रफ करेंगे ताकि अब स्क्रैच आसानी से निकल जाए और पेंट पर भी कोई नुकसान ना हो। बहुत से लोग स्क्रैच रिमूव करने के लिए थिनर या पेट्रोल लगा देते हैं, जो कि गलत है। इससे आपका पेंट डैमेज हो सकता है। आपको थिनर या पेट्रोल नहीं यूज करना है। स्क्रैच रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रबिंग क्रीम है। रबिंग क्रीम लगाकर स्क्रैच आसानी से रिमूव कर सकते हैं। 2000 नंबर वाटर पेपर से रफ सैंडिंग करने के बाद ESD का रबिंग क्रीम लगाकर काटन कपड़े से स्क्रैच पर अप्लाई करना है, जिससे स्क्रैच आसानी से निकल जाता है और पेंट भी सेफ रहता है। तो इस पर ESD का रबिंग क्रीम लग चुका है। अब हम इसे काटन कपड़े से रफ करके स्क्रैच रिमूव करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम इसे प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यह स्क्रैच प्रॉपर अच्छे से रिमूव हो चुका है, जो आप देख पा रहे हैं। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह से कार से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो महाराजा मोटर MMW।